नमस्कार दोस्तों, जीके रफ्तार चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एचएससी जब लीकेज हो रहे हैं पेपर, उनको रोकने में असमर्थ है, तो इसका बोझ बच्चों पर क्यों डाला जा रहा है? अब हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जाम है वो आप देख सकते हैं, 4-5 जिलों के अंदर ही एग्जाम लिए गए हैं। 300 साढ़े 300 किलोमीटर दूर तक बच्चों को अपने एग्जाम देने के लिए जा रहा है, तो ये कोई समाधान नहीं है लीकेज रोकने का। क्योंकि जो पेपर आउट हो रहा है वो तो जम्मू कश्मीर से हो रहा है, या जहां पर एचएससी का जो ऑफिस है, जो एचएससी के भीतर के लोग हैं वही इसको आउट कर रहे हैं, तो फिर बच्चों पर ये बोझ क्यों डाला जा रहा है बताइए? अब रात को बच्चे चलेंगे तब जाकर अपने सेंटर पर पहुंचेंगे, पूरी पूरी रात वो सो नहीं पाएंगे बिना सोए, और फिर सुबह एग्जाम सेंटर को ढूंढना, इतनी दूर बसों में धक्के खा रहे हैं, फिर जाकर आप एग्जाम देकर आते हैं तो वैसे ही डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि बच्चों के सेंटर दूर देने से जो पेपर लीक हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, उनको रोका जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई सॉल्यूशन है। ये जिनके द्वारा पीछे पेपर लीक किए गए उनका तो अभी तक कोई मसला हल हुआ नहीं है, उनको अभी तक किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई से सजा नहीं मिली है, ना ही इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जिससे ये लीकेज रोका जा सके। तो बच्चों को गुमराह करने से और बच्चों को दूर दूर भेजने से कौन सा इसका समाधान हो जाएगा? सच तो ये है कि एचएससी हर कदम पर नाकाम साबित हो रही है और इसका बोझ है वो बच्चों पर डाला जा रहा है। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। छात्र हित से जुड़ी आवाज बनने के लिए हमारे साथ जुड़े। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।